खबर एटा जनपद से, जहां सावन के माह में कावड़ी कावड़ लेके भगवान शिव की भक्ति में लीन भक्तों पर नजर रखने के लिए डीएसजी अलीगढ़ रेंज ने रोड चेक किया। वहां प्रशासन द्वारा दी गई सुरक्षा की तैनाती की, कावड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके निर्देश दिए। दोपहर के समय मारहरा क्षेत्र में कांवड़ ला रहे कांवड़ियों के साथ हुई करंट लगने की घटना पर डीआईजी ने खेद जताया, जिसके बाद एटा डीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर विद्युत विभाग की जांच कराई, जिसके बाद अवर अभियंता को दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था है और यातायात की जो व्यवस्था है, इसका हमारे द्वारा एसपी साहब के साथ निरीक्षण किया गया। जहाँ जहाँ जो बातें रही इस रास्ते के को डाइवर्ट करना है, उसके बारे में एसपी साहब से बताया गया। और जो जलेसर का जो हमारा रूट है, जलेसर से लेकर छुट्टी, जो अगला जो 3 दिन रहने वाला है मंगलवार तक, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिपा क्राइम उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा है, तो उन सभी जगहों पर पुलिस के व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। फोर्स उन्होंने लगा दिया है। जितने भी हमारे पीआरवी हैं और जो हमारे 112 नंबर की गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, उनको प्रत्येक जगह पर फिक्स करके जोनल और सेक्टर में बात करके उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और जो व्यवस्था है, जो संसाधन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर उस ड्यूटी को लगा करके, जो अब ये रोड जो तो सड़क है, इसमें आधे भाग में जो है पब्लिक के लोग चलेंगे और आधे भाग को जो है हम लोग पूरी तरह से संख्या वृद्धि बढ़ रही है, उस पर सिर्फ हम हमारे शिव भक्त चलेंगे और पुलिस की जगह जगह व्यवस्था है। यहाँ पर भी इनके रुकने की व्यवस्था जो कांवड़ समिति के द्वारा कहा की गई है या अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा, वहाँ पर भी हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और चूंकि अब डाक बम का भी जो लोग मध्य प्रदेश से हैं, उनकी भी संख्या आज से आनी शुरू हो गई है, निकलनी शुरू हो गई है।